एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति साइंस क्लासेस। दिस इज स्वाति हियर। टुडे आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो, दैट इज ईवीएस क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये न्यू चैप्टर। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हमेशा हर दिन आप अपने जो आपका जो दिनचर्या होता है उसमें आप कई सारे अपने आसपास के चेंजेस जो है वो आप महसूस करते हैं या उनसे गुजरते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ये जो चेंजेस यानी कि ये जो परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं या तो एक वस्तु के वजह से होते हैं या तो एक से ज़्यादा वस्तुओं की वजह से इसमें हमारे जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व सुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आपकी माँ जो है वो आपको कहती हैं कि कोल्ड ड्रिंक बनाना है, मतलब कि शीतल पेय बनाना है, यानी कि हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं तो शरबत बनाने के लिए वो चीनी को पानी में घोलने के लिए कहती हैं। मेकिंग अ सुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। चीनी का जो सोल्यूशन बनाना है, जो विलयन बनाना है, ये एक तरीके का परिवर्तन है, क्योंकि चीनी जो है वो टुकड़ों में होता है, हार्ड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जब हम उसको पानी में घोल देते हैं तो चीनी जो होता है वो अदृश्य हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, सुगर सिरप, चीनी का सोल्यूशन बन जाता है। तो ये एक तरीके का परिवर्तन हुआ। उसी तरह सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। इसी तरह से दूध से दही का बनना भी एक तरीके का परिवर्तन होता है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कभी कभी क्या होता है, दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है। सोर का मतलब होता है खट्टा। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। दूध का खट्टा होना भी एक प्रकार का परिवर्तन ही होता है। स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। जब एक रबर बैंड को लेके हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो भी एक तरीके का परिवर्तन होता है। जो नॉर्मल रबर बैंड का शेप होता है उससे वो चेंज होकर के खींचता है जब रबर बैंड, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर परिवर्तन हुआ। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको ऐसे 10 परिवर्तन के बारे में लिखना है जो आपको महसूस होता है कि आपके आसपास में हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में हम ये सारे कुछ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो कि स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इन सब चेंजेस का जो नेचर होता है, यानी कि इनका जो परिवर्तन का प्राकृत वो होता है ना, कि कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सब हम इस चैप्टर में इन सारी एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। वैसे तो ये दो चेंजेस जो ये जो चेंजेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल यानी कि भौतिक, केमिकल यानी कि रासायनिक। 6.1, पहले हम जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। आपको एक बड़ा सा पेपर लेना है, उसको 4 स्क्वायर में, स्क्वायर आपको पता होगा कि स्क्वायर वो होते हैं जिनकी चारों जो लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनको आपको स्क्वायर में पीस में कट कर लेना है। ले कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इंटू 4 स्क्वायर पीसेस। और जो स्क्वायर पीस आपने कट किया उन स्क्वायर पीस को फिर से 4 स्क्वायर पीस में कट कर देना है। ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो डैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। ये सारे पेपर जो आपने कट किए स्क्वायर में, इनको या तो जमीन पे, फर्श पे या फिर किसी टेबल पे ऐसे लगाना है जैसे कि ओरिजिनल पेपर का पीस तैयार हो जाए। फिगर 6.1, ये रहा फिगर 6.1, पेपर के पीस। पहले एक बड़ा सा पेपर लिया था, ये इतना बड़ा सा पेपर था, उसको स्क्वायर में हमने काटा 4, और फिर एक स्क्वायर को ही लेके 4 स्क्वायर पीस में हमें काट दिया, और फिर ये एक पेपर के शेप में उसको रख दिया है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। जब हम एक बार किसी भी पेपर को कट कर देंगे तो हम उसको फिर से जोड़ नहीं सकते, ये तो सबको ही पता है, लेकिन क्या इसके प्रॉपर्टी में कोई बदलाव आया है? तो हाँ, पेपर पहले कैसा था अभी कैसा है, इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आए हैं, और ये चेंज जो है ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड होता है, जब ब्लैक बोर्ड पे चॉक से हम लिखते हैं तो चॉक का जो डस्ट होता है, जो पाउडर होता है, वो नीचे गिर जाता है ब्लैक बोर्ड के नीचे। आपको वही कलेक्ट करना है
और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इन टू डस्ट। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो कोई चॉक लेकर के उस छोटा सा स्मॉल पीस लेके एक चॉक का उसको आपको क्रश कर देना है, पाउडर बना देना है। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालना है उस पाउडर में और उसका एक पेस्ट बनाना है। रोल इट इन टू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। उसके बाद आपको उसको चॉक के शेप में रोल करके चॉक बना देना है और उसको सूखने देना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप डस्ट से चॉक बना पाए? तो आप डस्ट से फिर से वैसा चॉक तो नहीं बना पाएंगे, हाँ लेकिन सिमिलर कुछ बन जाएगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में तो चेंज आ जाएगा। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको एक आइस का टुकड़ा लेना है, उसको या तो ग्लास में या तो किसी प्लास्टिक के टम्बलर में लेना है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा लेकर के उसको धूप में रख देना ताकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, यानी कि पिघल जाए। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब इसके बाद आपके पास क्या मिक्सचर आ जाएगा, आइस और वाटर, मतलब वो आइस जो होगी वो थोड़ी सी पिघल जाएगी तो पानी हो जाएगा और आइस आइस का रहेगा। तो आपके पास दो मिक्सचर हो जाएंगे, आइस और वाटर का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। उसके बाद आपको इसको फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में, मतलब आइस में कॉमन सॉल्ट मिला करके रखना है। डस द वाटर बिकम सॉलिड आइस वन अगेन। उसके बाद क्या वो तुरंत सॉलिड आइस बन जाएगा वो मिक्सचर। एक्टिविटी 6.4, बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको एक कंटेनर लेना या पैन लेना, उसमें आपको कुछ पानी, थोड़ा सा पानी लेके गर्म करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आपको उस वाटर से स्टीम निकलता है यानी कि भाप निकलते हुए दिख रहा है? होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसको उल्टा करके उसके हैंडल को पकड़ के स्टीम के ऊपर कुछ दूरी पर रखना है ताकि जो बॉइलिंग वाटर का जो स्टीम निकल रहा है वो उस लिड पे, उस प्लेट पे पड़े। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, उसके बाद उस पैन के इनर सरफेस को आपको देखना है, क्योंकि आपने उसको उल्टा करके रखा है तो उसके अंदर जब उसको आप पलटेंगे तो उसमें आपको कुछ पानी की बूंदें दिखाई देंगी। एक्टिविटी 6.5, होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स। आपको एक लोहे की आरी का ब्लेड लेना है, हैक सॉ मतलब लोहे की आरी जिससे हम वो लकड़ियां वगैरह काटते हैं, पेड़ वेड़ वो होता है आरी उसको कहते हैं, उसका ब्लेड लेना है आपको। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, और उस ब्लेड का एक टिप जो है वो आपको गैस स्टोव के फ्लेम यानी कि आँच पर रखना है, जो गैस से आँच निकलती उसके ऊपर रखना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ मिनट तक वेट करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, जो उसका कलर है ब्लेड का वो चेंज हो जाएगा, तो जब उसको हीट भी लगा तो उसका कलर चेंज होगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, और आपको ब्लेड को रिमूव कर देना है फ्लेम से, आंच से हटा देना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, उसके बाद कुछ देर बाद आपको फिर से ऑब्जर्व करना है, देखना है उसके टिप को। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या वो अपने ओरिजिनल कलर में पीछे फिर चला जाएगा या उसका कलर जो चेंज हुआ है वो वही रहेगा। इन एक्टिविटीज 6.1 एंड 6.2 अबव यू सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। जब आपने आपने ऊपर की एक्टिविटीज में देखा है कि पेपर और जो चॉक है वो उनकी साइज में डिफरेंट हो गया, क्योंकि पेपर को हमने कट कर दिया, वापस से अगर हम जोड़ेंगे तो वो उस साइज का पेपर नहीं बनेगा, चॉक भी हम वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा कि पहले था चॉक। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4, वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। जो वाटर है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, यानी कि अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में चला जा रहा है, जैसे कि बर्फ, बर्फ को अगर हम पिघलाएंगे तो पानी में चला जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और गैस यानी कि जब हम स्टीम वाला एक्टिविटी किए हैं तो स्टीम जब निकलता है तो वो गैस होता है, और जब वो प्लेट के पैन पे पड़ रहा था तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे थे वो लिक्विड होता है। इन एक्टिविटी 6.5, द हैक शॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। जो 6.5 की एक्टिविटी में हमने पढ़ा, हैक शॉ यानी कि लोहे की आरी वाला ब्लेड वाला एक्टिविटी, उसमें ब्लेड जो है वो अपना कलर चेंज करता है गर्म करने पर। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें उसकी शेप, साइज, कलर और स्टेट जो है वो सब्सटेंस का होता है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जब ऐसा कोई चेंज जो कि उस सब्सटेंस के
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती है तो वो उसकी फिजिकल चेंज कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज होता है वो वैसे वापस जनरली रिवर्स हो जाता है। यानी कि जैसे हमने चौक पाउडर से चौक बनाया तो फिर हम चौक से चौक पाउडर भी बना सकते हैं, मतलब हम रिवर्स कर सकते हैं उसको, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही सब्सटेंस रहता है, उसको हम वो बदल सकता है। जैसे कि पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी बन सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। ऐसे जो प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको फिजिकल चेंज कहते हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंज के तरफ। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसा चेंज जिससे आप भली भांति परिचित हैं वो चेंज है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, अगर आप किसी लोहे के बर्तन या कोई लोहे का सामान हो उसको अगर हम आप खुले में आप छोड़ दें उसको, तो उसके ऊपर एक लोहे ब्राउनिश फिल्म टाइप की एक परत लग जाती है भूरे रंग की। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, इस ये जो सब्सटेंस जो उसके ऊपर बन जाता है उसका उसको रस्ट कहते हैं, यानी कि जंग कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और ये प्रोसेस होता है जंग लगना, रस्टिंग यानी कि जंग लगना। Figure 6.2, ये रहा Figure 6.2, ये लोहे के कुछ चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो कि खुले में पड़ी हैं, यहाँ पे इसमें जंग लगा है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड, आयरन के गेट जो कि पार्क में लगे होते हैं या आयरन के बेंच जो कि लॉन में ग्राउंड में होते हैं गार्डन में होते हैं, जो भी कुछ आयरन का होता है जो कि खुला होता है ओपन में होता है उसमें जंग लग जाता है बहुत जल्द। एट होम यू मस्ट हैव सीन सोवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमोसफियर फॉर सम टाइम इन द किचन, अ वेट आयरन पैन तवा ओपन गेट्स रस्टेड इन लेफ्ट इन डैट स्टेट फॉर सम टाइम्स, आपके घरों में जो सामान होते हैं लोहे के उनको अगर आप खुला छोड़ दें तो उनमें जंग लग जाता है। जैसे कि लोहे का तवा जो कि रोटी बनाने के काम आता है, अगर वो गीला हम छोड़ दें उसको गीला करके या ओपन छोड़ दें खुले में तो उसमें भी जंग लग जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन, जंग जो है वो लोहा नहीं है, इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, वो अलग है, लोहे से अलग है जो कि लोहे के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, लोहे के ऊपर एक परत बना लेता है अपना जो जंग होता है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, चलिए हम और भी कुछ चेंजेस देखते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। Activity 6.6, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्राइप स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, आपको एक पतला सा स्मॉल सा स्ट्रिप मतलब लंबी से धागे जैसी या रिबन लेना है मैग्नीशियम का। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, उसके बाद उसको सैंड पेपर यानी कि रेगमाल कहते हैं जिससे हम रगड़ते हैं लोहे के कुछ चीज़ों को, रेगमाल कहते हैं, सैंड पेपर कहते हैं, इससे हम उसको साफ कर लेना। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, उसके बाद इसके टिप को आपको कैंडल के आग जो आँच निकलती है कैंडल की फ्लेम उसके पास लानी है। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो जब ये जलेगा ना तो बहुत तेज से सफ़ेद सी रोशनी देते हुए जलेगा। देखिए ये देखिए फिगर में दिख रहा है सफ़ेद सी रोशनी दे रहा है ये जल रहा है। तो When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. जब ये पूरी तरह से जल जाएगा तो ये अपने पीछे पाउडरी ऐश यानी कि ऐश मतलब होता है राख, वो छोड़ के जाएगा। राख यानी कि पाउडर कह सकते हो उसको, राख जैसे कागज जला दो या लकड़ी हम जलाते तो राख निकलता है ना, वही ऐश का मतलब वही होता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या वो ऐश जो है वो मैग्नीशियम रिबन के जैसे दिखता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हम इस चेंज को हम इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, आपको इस ऐश को यानी कि जो राख बची है इसको लेना और इसको छोटा सा इसमें थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में वाटर मिलाना है। स्टिर द मिक्सचर
एक्वियस सॉल्यूशन वेल, इसको बहुत अच्छे से आपको मिलाना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, इस सॉल्यूशन को आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वियस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। अगर वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है या ब्लू को रेड, तो इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब वो जो एश है, जो राख है, जब वो पानी में घोल दिया जाता है तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस चेंज को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर H2O इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। आपने चैप्टर 5 पे ये पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो एक नया सब्सटेंस है जो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बाद बना है, मैग्नीशियम को जलाने के बाद बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अभी बना है, जब हम मैग्नीशियम के जो राख है जलने के बाद उसको हम वाटर से उसको मिलाए हैं तो नया सब्सटेंस बना है, मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो मैग्नीशियम क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, नया सब्सटेंस। नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 6.7। ये आपको समझ में आ गया ना ऊपर का, कि जब हम मैग्नीशियम की रिबन ये जो थी ना, इसको हमने जब जलाया तो हमें मैग्नीशियम का क्या मिला, एश मिला। उसके बाद उस एश को हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन बताया गया था ना ऊपर में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, ठीक। उसके बाद हमने उस ऐश को वाटर के साथ मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया, और उस सॉल्यूशन को तैयार करने के बाद वो सॉल्यूशन एक नया सॉल्यूशन तैयार हुआ हमें, जो कि क्या क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ मिलाया तो हमें क्या मिला, नया सब्सटेंसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.7। डिजॉल्व अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट और नीला थोथा। आपको टी स्पून फुल कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा को डिजोल्व करना है इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास में आधा कप पानी में उसको आपको डिजोल्व करना है, या फिर बीकर में कर सकते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, और आपको उस सोल्यूशन में कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी डालना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, आपको ये जब आप सब पूरा तैयार करोगे सोल्यूशन तो आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। आपको थोड़ा सा सैंपल के रूप में इस सोल्यूशन को या तो टेस्ट ट्यूब में या तो किसी बॉटल में सेव करके रख लेना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। उसके बाद जो सॉल्यूशन बच रहा है उसमें आपको या तो एक लोहे की कील डाल देनी है या फिर कोई यूज्ड ब्लेड डाल देना है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, या तो आपको हाफ आवर तक वेट करना है या तो उससे ज़्यादा भी आप वेट कर सकते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद आपको उस सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, उसके बाद से आपको जो कलर, जो नेल यानी कि कील और ब्लेड को ऐड करने के, कील या तो ब्लेड दोनों में से कोई एक चीज़ जब आप ऐड करोगे तो उसके बाद जो कलर उस सॉल्यूशन का होता है उस कलर को, और जो आपने सेव करके छोटा से बॉटल में या फिर टेस्ट ट्यूब में रखा था उस कलर सॉल्यूशन को, कलर को, दोनों को कंपेयर करना है। फिगर 6.4, ये रहा चेंज इन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। ये है कॉपर सल्फेट का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था, यहाँ पे आपको कलर नहीं दिख रहा, ये ब्लू कलर का है, ठीक है। जब हमने इसमें ब्लेड, यूज्ड ब्लेड डाल दिया तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, ये हो गया ग्रीन। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज इट चेंज्ड इन एनी वे, तो वो क्या कलर चेंज हुआ। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, जो चेंज हुआ है कलर का वो रिएक्शन के वजह से हुआ है जो कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में हुआ है। द चेंज ऑफ
Color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. जो चेंज हुआ है सॉल्यूशन में वो आयरन के वजह से हुआ है और एक नया सब्सटेंस बन के आ गया है जिसका नाम है आयरन सल्फेट. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. जो नेल होता है यानी कि कील, कील के ऊपर जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, वो कॉपर होता है. अनदर न्यू सब्सटेंस जो कि एक नया सब्सटेंस है. वी कैन राइट द रिएक्शन एज. तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन इज इक्वल टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन. ठीक, जो हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए थे वो ब्लू था, जब हमने उस सॉल्यूशन में आयरन को मिलाया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला जो कि था आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का होता है. और उस नेल के ऊपर यानी कि उस कील के ऊपर एक परत होती है जो कि कॉपर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, वो होता है कॉपर प्लस कॉपर, ये भी एक नया सब्सटेंस है. सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ एंड कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी तो ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग भी होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस पार्ट का को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ. उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्टिविटी 6.8 और आगे के एक्टिविटीज़ को मैं पढ़ाऊंगी. इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी. मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ.